लाइफस्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अभी हेयर लॉस में. 14 एसेंशियल ऑयल्स ऑफ ऑल दीज प्लांट्स जिसको हमने मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया है विच इज यूजफुल इन ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन ऑफ हेयर लॉस. महाभृंगा ऑयल, हम लोग जब हम हेयर लॉस की बात करते हैं तो पहले आजकल हेयर लॉस हेल्थ इश्यू से ज्यादा आपका प्रेस्टीज इश्यू बन जाता है. बेसिकली जो लोग भी मतलब जितना पैसा हेयर और स्किन के लिए खर्च करते हैं ना, वो शायद ही अपनी हेल्थ और किसी और चीज के लिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द प्रेस्टीजियस इश्यू फॉर देम कि सोसाइटी में उन लोगों को बैठना उठना है, देखने में कैसे लगेंगे, बाल नहीं है, ये सब. ये एक मुझे लगता है एज अ हेल्थ हैजर्ड छोड़ के एक लाइफस्टाइल मतलब के रूप में इसको ज्यादा लोग अपना रहे हैं और इसके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं. ये जो जितने बड़े बड़े पार्लर्स, स्पास, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप देखिए आज वो सारा का सारा पैसा इन चीजों से कमाया जा रहा है. बिकॉज कोई भी इंसान अपने बालों और स्किन के लिए पैसे खर्चता है, बिकॉज ये उनके लिए एक प्रेस्टिजियस इश्यू है. तो हम लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है. आप ऐसे हर एक हेयर लॉस का रीजन एक जैसा नहीं होता, देर आर डिफरेंट कॉजेज, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे चीजों से हेयर लॉस हो सकता है. सो जब भी हम लोग हेयर लॉस की बात करें तो उसके पीछे की कंडीशन को हम लोग को समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है, उसके रीजंस कुछ हो रहा है. ये एक सिम्टम है, इसके पीछे के सिम्टम जैसे हमने क्या बताया कि प्रोटीन की कमी से भी हेयर लॉस हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एज एक फैक्टर है, स्ट्रेस एक फैक्टर है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम करते हैं. तो पहले हम लोग छोटा सा एक हेयर लॉस के बारे में जान लें, बहुत जरूरी है. आयुर्वेद में हेयर लॉस को क्या बोला जाता है, हेयर क्या है. आयुर्वेद में हेयर को उपधातु बोलते हैं हम लोग. किस धातु की? अस्थि धातु की. अस्थि धातु का मल बोलते हैं. वेस्टेज ऑफ अस्थि धातु जो वेस्ट होके बॉडी से निकलती है, तो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? हेयर्स, नेल्स, ये सब चीजों की फॉर्म में. सो इसको शुक्र धातु की एक उपधातु भी बोला जाता है. सो बेसिकली जब हम इसका रूट कॉज देखें तो अगर ये धातु अच्छे से नरिश्ड हैं तो हमारा हेयर लॉस नहीं होगा, प्रॉपरली हमारे ये नेल हेयर्स अच्छे से ग्रो करेंगे. लेकिन अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन से ही अगर प्रॉब्लम है, इसीलिए जब भी हेयर लॉस वाले आप किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना, वो आपसे पहले डाइजेशन की बात करेंगे, आपकी डेली लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, क्या आप खाते हो, कैसे रहते हो, क्या आप आपकी एक्टिविटीज क्या है, खाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है. क्यों ना, क्योंकि इसका कनेक्शन डाइजेशन से होता है. और वो डाइजेशन से इसका कनेक्शन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे आचार्यों ने बहुत देर पहले ही इसको बता दिया है कि ये उपधातु है शुक्र धातु की और मला है अस्थि धातु का. तो बेसिकली अगर हमारा डाइजेशन ही ठीक नहीं होगा तो रसा ठीक से नहीं बनेगा, इस तरह से फर्दर धातु ठीक से नहीं बनेंगी. तो रूट कॉज इज डाइजेशन बेसिकली, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसमें आ जाता है. सो एक रीजन है ये. इसके बाद अब जब बात करते हैं आयुर्वेद में, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं. कहते हैं कि इंसान के जो ह्यूमन बींग के हेयर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, नंबर वन उसकी प्रकृति, बॉडी टाइप. बेसिकली जब हम बात पित्त कफ की बात करते हैं हमारे शरीर में, हर इंसान के अंदर उनकी क्वांटिटी सेम नहीं होती है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो सेम नहीं है. जो आप में है वो इनमें नहीं है. फीमेल में डिफर करती है, बच्चों में अलग होती है, बुढ़ापे में अलग होती है, और या फिर पर्सन टू पर्सन जिसने भी जन्म लिया है वो अपनी एक प्रकृति लेके जन्म लेता है. और कहते हैं प्रकृति तब चेंज होती है जब इंसान मरता है, उसके पहले नहीं. तो ये जो प्रकृति, बॉडी टाइप जिसको हम बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हेयर के ऊपर. तो ये दो चीजें आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताएं कि एक तो आपका बॉडी माइंड का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बैलेंस जो आपके शरीर और आत्मा और मन का जो है, ये एक बैलेंस होना चाहिए. जिसका ये नहीं होता है उनको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है. प्लस आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे पित्त प्रकृति वालों को ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है, और जो वात वाले हैं उनको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लेकिन कफ वालों के बाल बहुत अच्छे होते हैं. सो इस तरह से बताया गया, प्री मेच्योर बेसिकली वात वालों के हेयर बहुत जल्दी फॉल हो जाते हैं, पित्त वालों के बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं, और कफ वालों के सबसे अच्छे रहते हैं क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल दोष है. सो बेसिकली प्रकृति और आपकी बॉडी और माइंड का जो बैलेंस है, ये डिसाइड करता है कि आपके हेयर्स कैसे होंगे. सो जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मल है अस्थि धातु का और उपधातु है शुक्र धातु की. सो हम लोग जब तीन तरह में अगर हम डिवाइड करते हैं, मैंने इसको ओवरऑल कंसाइज करके बताया कि हेयर लॉस को अगर हम डिवाइड करें तो तीन तरह के आपको जो अपनी कॉमन सोसाइटी में या कॉमन लोगों में मिलेगा. नंबर वन इज इंद्रलुप्त, जिसमें हेयर लॉस पैच की फॉर्म में पूरा निकल ही जाता है सिर से,
इसको हम बोलते हैं इंद्र का लुप्त हो जाना, लुप्त मतलब गायब हो जाना, एक पैच सडनली एक ऐसा जगह होगा जहां से हेयर अचानक से लॉस हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंद्र लुप्त, जिसको हम एलोपेशिया भी बोलते हैं मॉडर्न साइंस में. सो इट इज पित्तजव व्याधि, ये पर्टिकुलरली उन लोगों में होती है जिनमें पित्त बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है. नंबर टू, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर के रूट होता है, वो उसमें एक जो फॉलिकल है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है उसके रूट को, और उस हेयर तक पूरा न्यूट्रिशन नहीं जाता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हेयर वहां से पूरा का पूरा फॉल हो जाता है. देन खालित्या, इट कैन बी, इट कैन इफेक्ट, ये दोनों चीजें, खालित्या मतलब एकदम से जो ये इंद्रलुप्त है वो पैचेस की फॉर्म में हेयर लॉस होते हैं, लेकिन खालित्य का एक सडनली पूरा स्कैल्प, एक साथ में ही पूरा स्कैल्प का हेयर लॉस हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज खालित्य. सो ये ज्यादा देखा जाता है मेल्स में, इसमें उनके चेस्ट के हेयर्स भी होते हैं उनमें भी देखा जाता है कि एकदम से सडनली लॉस ऑफ स्कैल्प एंड चेस्ट हेयर. अलॉन्ग विद दैट पालित्य इज प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स. ये बहुत कॉमन तीन फैक्टर हैं जो हम लोग अपनी कॉमन प्रैक्टिस में या कॉमन सोसाइटी में आप लोग पर्टिकुलरली देखते हो. सो बेसिकली क्यों होता है, ज्यादा हम लोग फ्राइड खट्टी चीजें, तीखा मसाला ये या नमक को ज्यादा क्वांटिटी में अपनी बॉडी में यूज करना, इन सबसे क्या होगा, पित्त बढ़ जाता है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से या तो प्रीमेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर होती है या फिर हेयर लॉस होता है. एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी कॉफी, जब हम इसको ये सब भी क्या करते हैं, पित्त को शरीर में बढ़ाते हैं, पित्त दोष को खराब करते हैं, एग्रीवेट करते हैं. सो इनसे भी हमारे हेयर लॉस होने के चांसेस हैं. प्लस जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड मीट, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं. प्लस एक रीजन है मेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारे लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस होता है. एक्सटर्नल फैक्टर लाइक रेडिएशन, कीमोथेरेपी जो लोग लेते हैं, यहाँ पोल्यूशन हमारा जो मेन फैक्टर है हमारे बॉडी में, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, डस्ट या जो पोल्यूशन है वो हमारी हेयर स्कैल्प में आके बैठ जाता है, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स, फिर से वो हमारे हेयर फॉलिकल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ताकि न्यूट्रिशन हमारे हेयर्स तक पूरा नहीं जाए. तो धीरे धीरे, ये आज नहीं कि आज आप एक्सपोजर हुए तो कल हो जाएगा, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. क्रॉनिक रूप में आप ऐसे एटमोसफेयर में जब रहते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उन लोगों में देखी गई. और पर्टिकुलरली अगर हम जनरल प्रैक्टिस में देखें, जहां मैंने स्ट्रेस और मेंटल की बात की, तो आप देख लीजिए कॉर्पोरेट वर्क, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है अभी, उसमें मैक्सिमम लोगों का ये स्कैल्प सेंटर पोर्शन गया, क्योंकि ऑल द टाइम फोकस ऑन टू द कंप्यूटर, उनको वो वहीं रहना पड़ता है, और वो जितना स्ट्रेस रहता है धीरे 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 पूरा, तो ये वन ऑफ द मेन, एक आप कॉमन एग्जाम्पल देखोगे, जितने भी आप हम जाते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो हमको पता है कि अगर आप देखते हो तो 20-30 लोग हैं, 30 में से 20 के बाल तो उड़े होते हैं, कोई 10 हैं जिनके नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया है. तो बेसिकली उनमें ये क्यों होता है, जो वो एक कंसंट्रेशन से कंप्यूटर पे ऑल द टाइम काम करना और ये सब चीजों से भी काफी इफेक्ट करता है. तो लाइफस्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अभी हेयर लॉस में. जेनेटिक भी होता है कई लोगों को, यस एब्सोल्युटली जेनेटिक भी है. सो केश, हम लोग अगर हेयर लॉस ट्रीटमेंट की बात करें तो हम तीन तरह से, थ्री काइंड ऑफ, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से हम चलें, तो पहला हम लोग ऐसा लेते हैं कि केश संजनना, मतलब नया हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा ट्रीटमेंट दें जिससे न्यू ग्रोथ ऑफ हेयर हो. नंबर टू, उस ग्रोथ का प्रमोशन हो, मतलब आगे वो हेयर्स बढ़े, और प्रिवेंशन ऑफ हेयर फॉल, फिर से हेयर फॉल ना हो, समझ में आया, न्यू हेयर ओरिजिन हो और प्रिवेंशन ऑफ हेयर ना हो. नंबर थर्ड इज उसका रिस्टोरिंग करना उसके नेचुरल कलर का. ये तीन हमारे मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं जब भी हम लोग हेयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं. सो ब्रिंगराज जो हमारा मेन है, इसमें ऐसे सब कुछ है जो ये तीन ट्रीटमेंट जो हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको उसमें ये फॉल करे, ठीक है. सो पहला इज ब्रिंगराज, नंबर टू इज ब्राह्मी. हम इन सब में हमने ऑयल यूज किया, देयर आर 14 एसेंशियल ऑयल्स ऑफ ऑल दीज प्लांट्स, जिसको हमने मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया है विच इज यूजफुल इन ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन ऑफ हेयर लॉस. सो ब्रिंगराज, ब्राह्मी, कुमारी, निम्ब, अम्लका, महाबला, वातदा, एरंड, नारिकेल, कृष्ण निम्बी, श्वेत कटुजा, थिस्टल्स, बेल ट्री एंड जैतून. सो ब्रिंगराज, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जब भी हम लोग कहीं पे भी हेयर की बात करते हैं तो आयुर्वेद में जो सबसे पहले मुंह पे आता है वो क्या आता है, हेयर इज इक्वल टू ब्रिंगराज. जब भी बात करेंगे तो ब्रिंगराज टॉप मोस्ट उसमें आता है. सो ब्रिंगराज एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, इसको किंग ऑफ हेयर्स भी कहा जाता है आयुर्वेद में, और वन ऑफ द रासायनिक, और अगर जनरल कैटेगरी में देखें तो ये रसायन औषधियों में से एक है. सो
तो ये पर्टिकुलरली इसका काम क्या है, इट मेक्स द क्वालिटी ऑफ, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ हेयर, उसको शाइन करने में, शाइनिंग जो उसका नेचुरल कलर है उसको ये बूस्ट करने में काफी हेल्प करता है. अगर आप जब भी बात करेंगे कितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप देख लीजिए रिलेटेड टू हेयर स्पेशली या स्किन, आपको ब्रिंगराज उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट दिखेगा, जितने भी देख लीजिए आप वर्ल्ड वाइड. सो मेडिसिन प्रॉपर्टीज, इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ऑयल की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमारे हेयर्स के रिलेटेड है, इट इज नेचुरल केश्य. केश्य ऐसे चीजों को हम बोलते हैं विच आर गुड फॉर हेयर्स, जो हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं. ये क्या करता है, तीनों काम करता है, प्रिवेंट हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जिनको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, मतलब उनके रूट को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, हेयर के जो पूरा स्ट्रैंड है उसको स्ट्रेंथ करता है. अलॉन्ग विद दैट इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ हेयर. ओवरऑल जो हेल्थ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में भृंगराज काफी अच्छे से काम करता है. सो आई डिसऑर्डर्स में भी काम करता है, दंत्य, बिकॉज ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों दंत्य मैंने यहाँ लिया, बिकॉज वी नो शुक्र का उपधातु है हेयर, प्लस मल है किसका, अस्थि धातु, तो कैल्शियम बोन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो भृंगराज उस तरह से हमारे हेयर ऑयल में काम करता है. त्वचे है जो स्कैल्प है उसको, उसकी स्किन को इम्प्रूव करता है, कुष्ठ हरा, अगर उसमें कोई स्किन इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी है ये उसको भी रिमूव करेगा. अलॉन्ग विद दैट इट इज रिच एंटीऑक्सीडेंट, और पर्टिकुलरली जो है भृंगराज ये बिकॉज कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने इसको एनीमिया में लिया था, लेकिन वो पर्टिकुलरली लीवर, बिकॉज कुछ डिसऑर्डर्स रिलेटेड होते हैं हेयर्स के लीवर से, तो उन दैट पर्टिकुलर में ये दोनों पे काम करता है, हेयर पे भी काम करेगा, एंड इंटरनली अगर हम लोग इसका मेडिसिन लेंगे, जैसे हमने मैंने बताया आपको हमारा लिव 2000 में है, तो ये लीवर पे भी काम करेगा. तो उधर से लीवर ऑयल यूज कर सकते हैं और लिव 2000 इंटरनली ले सकते हैं अगर किसी को हेयर फॉल एसोसिएटेड विद द लिवर डिसऑर्डर है. सो विषग्रह डिटॉक्सीफाई, ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, तभी तो ब्लड के अंदर से सारी इंप्योरिटीज जाएंगे एंड हेयर का ग्रोथ इंप्रूव होगा. सो इट रिमूव्स आमा हो गया. सो नेक्स्ट इज ब्राह्मी. ब्राह्मी को अगर हम बात करें तो इसको भी हम लोग बड़ों में भी यूज करते हैं, बच्चों में भी यूज करते हैं और बहुत सारी और चीजों में भी, लेकिन पर्टिकुलरली ब्राह्मी ऑयल को हमने यहाँ पे यूज किया है. इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली एक्सलेंट एंटी एजिंग एंड एंटी ऑक्सीडेंट. बेसिकली इसका एंटी ऑक्सीडेंट जो कंटेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको इनबिल्ट, मतलब जो इसको इसकी प्रॉपर्टीज में ही है कि ये जन्मजात मेध्य है, विच इम्प्रूव्स द इंटेलिजेंस. कुछ जैसे भृंगराज इज इक्वल टू हेयर, वैसे जब भी ब्रेन की बात आती है तो ब्राह्मी इज ब्रेन, मतलब ब्रेन के लिए जो पहली चीज हम देखते हैं वो ब्राह्मी है. तो हेयर ऑयल, स्ट्रेस का कनेक्शन हमारे हेयर लॉस से है, तो जब ये ऑयल इसमें होता है तो इट रिलीव्स द स्ट्रेस, और वो मेंटल जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने में हेल्प करता है. इन दैट वे इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ. सो अगेन मैंने बताया कि इट इम्प्रूव सर्कुलेशन इन द ब्लड, तो उसके कारण हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो काफी अच्छे होते हैं. तो ब्राह्मी को हम हेयर फॉल, डैंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, एलोपेशिया, सोरियासिस, स्किन की जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है उसमें काफी अच्छे से काम करता है. अगर स्कैल्प में या जहां पे भी आपका हेयर लॉस हो रहा है वहां पे अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे कॉजेज हैं, मे बी स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ब्राह्मी ऑयल काफी अच्छे से काम करता है. तो घृत कुमारी एलोवेरा को पर्टिकुलरली जब हम इसकी बात हेयर के रिलेटेड करते हैं तो नंबर पहले इज मॉइस्चराइज, बिकॉज ये स्किन, ये ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है. नंबर टू इसकी क्वालिटी है ये सूथ करता है स्किन को, मतलब उसमें अगर कोई इरिटेशन है स्किन में या स्कैल्प में तो ये उसको सूथ करता है. नंबर थ्री इसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि इट गिव्स यू नो लस्टर टू, तो शाइनिंग जो देते हैं स्किन को या फिर हेयर को, ये इसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कुमारी की. मैंने बताया कि बिकॉज इट ब्यूटिफाइज द बॉडी, इट ब्यूटिफाइज द स्किन, इट ब्यूटिफाइज द हेयर, तो इन दैट वे ये हमारे महाभृंगराज ऑयल में काम करता है. सो पर्टिकुलरली हम बात करें तो कुमारी का क्या काम है, हर एक का अपना अपना रोल. कुमारी पर्टिकुलरली हमारे स्किन टेक्सचर, लस्टर और मॉइस्चराइजर, जो बेसिकली ड्राई स्किन है इट मॉइस्चराइजर्स दैट. सो बेसिकली इफ योर हेयर फॉल इज रिलेटेड टू एनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, तो इंटरनली हम लोग एलोवेरा, हम बता चुकी हूँ कि वो हेल्प करता है उस तरह से. नेक्स्ट इज निम्ब. निम्ब प्लांट जिसको हम लोग बंगाल में तो बहुत ज्यादा यूज होता है. निम्ब कैसे, क्या यूज करते हैं निम्ब को, बेसिकली जब हम नीम की बात करते हैं तो इट इज वॉट, ब्लड प्यूरिफायर. तो अगर आपके स्कैल्प, बेसिकली जब हेयर फॉल होता है तो स्किन एसोसिएटेड होता ही है, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन योर ब्लड, मतलब ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है, तो जो नीम ऑयल है दैट इज वन ऑफ द ब्लड
प्यूरीफाई, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि ब्लड को प्यूरीफाई करता है, इन दैट वे इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल. सो इट इज कूलेंट. उसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली इसमें है, क्रीमी ना, मतलब ये कोई भी स्कैल्प या कोई भी जो इन्फेक्शन होती है उसको, स्किन की अगर है तो वो उसको रिलीफ करने में काफी हेल्प करता है. इसमें जो ऑयल के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट हैं विच आर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक. एंटी डायबिटिक तो हमारा यूज नहीं है, बट एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल, बिकॉज जो स्कैल्प होती है उसमें अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है स्कैल्प में, तो इस ये हेल्प करता है वो स्कैल्प की उस इन्फेक्शन को रिमूव करने में, तो हेयर ग्रोथ को इस तरह से वो प्रमोट करेगा. सो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, पित्तनाशक है और मेहनोत है. देन पर्टिकुलरली हम इसको यूज करते हैं, सबसे नीम की बात आएगी तो स्किन डिसऑर्डर्स टॉप मोस्ट में लिए जाते हैं. सो इफ योर हेयर फॉल इज एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर, तो उसमें नीम ऑयल का रोल इस तरह से देखा जाता है. महाबला अगेन वन ऑफ द, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलरली अगर हम हेयर की बात करें तो इट इम्प्रूव्स द कम्प्लेक्शन ऑफ हेयर एंड स्किन. ये इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो हमने इस ऑयल में इसको पर्टिकुलरली यूज की है. सो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज वातदा विच इज बादाम ऑयल. बादाम ऑयल क्या करता है, बेसिकली नरिश करता है हेयर्स को. वीक थिन हेयर्स होते हैं उनको काफी अच्छे से नरिश करता है. ये इसकी प्रॉपर्टी है. जैसे हम लोग बच्चों में बचपन से ही बादाम देते हैं, क्यों देते हैं, बिकॉज इट नरिशेज द बॉडी. सेम वे ऑयल का वर्क है हमारे स्कैल्प और हेयर्स के लिए. इट नरिशेज, इट मेक्स द हेयर थिक. थिकनेस जो ऑफ हेयर है और उसकी जो प्रॉपर स्प्लिट एंड्स हैं या ब्रेकेज ऑफ हेयर्स हो जाता है, तो उस उन प्रॉब्लम्स में वातदा काफी अच्छा हेल्प करता है, बादाम जिसको हम बोलते हैं. इट नरिशेज द स्किन एंड हेयर बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई. तो ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या है, जो यूवी रेज से या जो हार्मफुल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे हेयर डैमेज हो रहे हैं, ये प्रोटेक्ट करता है हमको उनसे. ये पर्टिकुलर इसका एक अलग सा एक इसका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. सो इट हैज अ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी. उसके बाद ये डैमेज स्किन और हेयर्स को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है. एलिमेंट्स आर ऑल, मतलब ये इतने लाइट होते हैं कि डीप जो स्कैल्प की स्किन के डीप जाके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्योर करते हैं. इट इज़ वेरी लाइट इन नेचर, इसको बोलते हैं काफ़ी हल्का है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में. तो ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है एलमंड ऑयल की. ये कॉलेजन विच इज़ द रूट, जो हम लोग बोलते हैं हेयर का जो बेसिक है दैट इज कॉलेजन, उसके ऊपर ही हेयर बनता है, उसको स्ट्रेंथ करता है. उसके बाद ये पर्टिकुलरली हम लोग यूज करेंगे वात प्रकृत पर्सन में, जिनको जिनके हेयर लॉस बहुत, जिनके हेयर बहुत ड्राई और रफ होते हैं, तो वो उसको मॉइस्चराइज करता है, उसको सूद करता है. हेयर डिसऑर्डर्स लाइक हेयर ग्रोथ में रिड्यूसेस हेयर फॉल, रिमूव्स डैंड्रफ. पर्टिकुलरली जिनको डैंड्रफ होता है उसमें बादाम तेल बहुत हेल्प करता है. रिमूव्स ड्राइनेस, इट मेक्स स्किन यंग. अलॉन्ग विद दैट मेमोरी लॉस, मतलब ब्रेन को शांत करता है. एंड इंटरनली अगर इफ इट इज हेयर लॉस इज एसोसिएटेड विद अ कॉन्स्टिपेशन, तो हम एलमंड ऑयल को इंटरनली भी देते हैं समटाइम्स. नेक्स्ट इज कृष्णा निम्बी, जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं, कॉमन किचन में हमारे यूज होता है. आजकल कड़ी पत्ता पैक्स बहुत चल गए हैं हेयर के लिए, पर्टिकुलरली घर पे या पार्लर्स में आप देखेंगे. पर्टिकुलरली किसी आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो आपको कड़ी पत्ता का पैक सिर में लगाने के लिए बोलेंगे. इट इज वेरी मच इन यूज ऑफ दीज डेज, वो पैक की फॉर्म में. तो कैसे काम करता है, हम लोग बेसिकली इसका जो है ये कैल्शियम का सोर्स है, प्लस इसमें फॉलिक एसिड होता है. एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट. और साउथ इंडियन किचन में आपको ये सबसे कॉमन मिलेगा कड़ी पत्ता, उनकी हर चीज में कड़ी पत्ता वो लोग यूज करते हैं. सो बेसिकली हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये क्यों है, बिकॉज इट हेल्प्स इन रिमूविंग बैल्डनेस. प्रीमेच्योर हेयर फॉल जिनको होता है, पर्टिकुलरली एज से पहले काफी यंग एज में जिनको हो जाता है, उसमें ये काफी अच्छे से काम करता है. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है हेयर की जो पिगमेंटेशन है उसको मेंटेन करना, जो नेचुरल कलर है उसको रिस्टोर करता है. एंड थर्ड इज हेयर ग्रोथ और डेवलपमेंट स्ट्रेंथ में काफी इंपॉर्टेंट है. एरंड तेल को अगर हम आयुर्वेद में एक्सप्लेन करें तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो तेल है, काफी अच्छे से इसको इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है आयुर्वेद में. हमारे इसमें पर्टिकुलरली महाभृंगा ऑयल में है ये, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, इट इम्प्रूव्स स्किन टेक्सचर. बेसिकली ये जो जो क्वालिटी ऑफ हेयर्स है ये इसको काफी एरंड ऑयल इम्प्रूव करता है. सो हमारे महाभृंगराज में इसलिए है. सो इंडिकेशन ये पर्टिकुलरली मैंने बताया, थिकन जो हेयर, जो पर्टिकुलरली थिन हेयर्स हैं उनमें
एरंड तेल काफी अच्छे से काम करता है, इट मेक्स द हेयर थिक. कोकोनट ऑयल, ये तो आपको पता है कि सदियों से यूज हो रहा है आयुर्वेद में, तो पर्टिकुलरली काफी पुराना है. वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स फॉर हेयर हम जानते हैं कि कोकोनट ऑयल है, विच इज इन महाब्रिंगराज ऑयल. सो ये क्या करता है, कूलेंट होता है पहले तो, ब्रेन टेंशन को क्या करेगा, शांत करेगा. फिर नंबर टू तर्पनाइट, डज द नरिशमेंट और सूद करता है स्किन को. अगर वहां कोई इरिटेशन है स्किन में, स्कैल्प में, तो ये उसको भी शांत करता है, ठीक करता है. उसके बाद एक मॉइस्चराइजेस, इट इम्प्रूव्स एंड स्ट्रेंथ हेयर्स, दोनों को करता है. क्वालिटी ऑफ हेयर्स को भी इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथ ऑफ हेयर को भी बढ़ाता है. सो ये पर्टिकुलरली जो श्वेत कुटजा है, ये पर्टिकुलरली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मतलब जो एम शेप में एलोपेशिया स्टार्ट होता है, इसकी एक फॉर्मेशन पर्टिकुलर फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट होता है, उस पर्टिकुलर एलोपेशिया में ये जो श्वेत कुटजा है ये काफी हेल्प करता है. इन इसके साथ साथ जो स्कैल्प सोरियासिस होता है उसमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है. जिन लोगों को भी सिर में सोरियासिस की प्रॉब्लम हो जाती है उनमें ये बहुत काम करता है काफी अच्छे से. तो हम लोग ऐसा चीजें कवर अप कर रहे हैं जिसमें हम लोग हर चीज, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यूवी रेज से जो डैमेज हमारे हेयर्स को होता है ये उसमें भी हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है. सो हम लोग कवर कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो, किसी भी रीजन से हमारे हेयर फॉल हो रहे हो, हमारा महाभृंगा विल वर्क ऑन एवरीथिंग. जैसे थिस्टल को, जिसको हम लोग ब्लेस्ड थिस्टल भी के नाम से भी जानते हैं, पर्टिकुलरली जो यूवी रेज से हमारे हेयर को नुकसान पहुंचता है या इरिटेशन हमारे स्कैल्प में होती है, ये उसको काफी हेल्प करता है रिमूव करने में. अलॉन्ग विद दैट इसमें दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट दोनों काम होते हैं, दैट वर्क्स अलॉन्ग, दोनों काम करेंगे. एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब स्कैल्प में अगर कोई इन्फ्लामेशन या स्किन की कोई इरिटेशन है उसको भी हेल्प करता है. अगर हम इसकी बात करें तो कैसे ये काम करेगा, बेसिकली इट इम्प्रूव्स सेल रीजनरेशन, जो नए सेल रीजनरेट होते हैं उनमें ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है. सो नेक्स्ट इज आर बेल ट्री, ये बहुत पुराना है, इसको पेट ठंडा होने के लिए पर्टिकुलरली, और बेल को हम लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं फॉर द क्रॉनिक, जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलरली एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड, तो इंटरनली हम उसको वैसे यूज करते हैं. लेकिन बेल ऑयल का जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली हम लोग ईयर डिसऑर्डर में बहुत कॉमन है, जो बेल का बेल तेल जो ऑयल यूज करते हैं, बिल्व तेल बोलते हैं हम इसको, ईयर के बहुत सारे डिसऑर्डर्स में पेन को ये रिलीव करता है, कोई इन्फेक्शन होती है तो उसको भी ठीक करता है. सो हमारे महाभृंगा ऑयल में इसका क्या रोल है, इट पर्टिकुलरली प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेल, स्ट्रेंथ ऑफ सेल, प्रिवेंट्स डैंड्रफ अगर होता है या होगा ही नहीं इसको कंटिन्यूस यूज करने से. अलॉन्ग विद दैट स्किन कॉम्प्लेक्शन, कोई रैश होगा, और वन ऑफ द प्यूरिफाई उस जगह को क्लीन करता है ताकि हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड सप्लाई अच्छे से जाए. उसके बाद जैतून मतलब ऑलिव ऑयल, विच इज अभी मार्केट में आप देखेंगे ऑलिव ऑयल की इंपॉर्टेंस अगेन बहुत ज्यादा बढ़ गई है. बच्चों को आप देखेंगे छोटे होते से ही यहाँ पे एक वो हो जाता है, उनका एक सेब्रोसिस बोलते हैं हम लोग, स्किन की लेयर्स बनती जाती हैं स्कैल के ऊपर, उसमें पर्टिकुलरली ये ऑयल बहुत अच्छा काम करता है. एवरीडे लगाने से वो स्किन जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं. बच्चों में इसको हम काफी अच्छे से यूज करते हैं. ऑलिव ऑयल के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली हमारे हेयर की, तो जो डैमेज्ड हेयर होते हैं पर्टिकुलरली ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर, उनमें ऑलिव ऑयल काफी अच्छा काम करता है. सो अगर हम पूरे प्रोडक्ट का कंक्लूजन देखते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे हमने बात किया था शुरू में ट्रीटमेंट के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, पर्टिकुलरली हमारे प्रोडक्ट किस किस काम में, हमारे जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो पर्टिकुलरली किस काम में आते हैं. जैसे हेयर ओरिजिन में पर्टिकुलरली वातदा, विच हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ न्यू हेयर फॉलिकल. हेयर ग्रोथ की बात करें तो कुमारी, ब्राह्मी, नारिकेल, नारिकेल मतलब कोकोनट ऑयल, आमलका और आमलकी, और हमारा एरंड, ये काम करते हैं. उसका नेचुरल कलर या प्रीमैच्योर ग्रेन जो होता है उसमें काम करता है भृंगराज, आमलका, एरंड, कृष्ण निम्बा. ये पर्टिकुलर, इनके और भी बहुत सारे काम है लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम डिवाइड करें तो हेयर क्वालिटी या उसकी स्ट्रेंथ या थिकनेस वॉल्यूम को इम्प्रूव करता है तो वो महाबला और एरंड तेल. और लास्ट जो स्कैल्प की इन्फेक्शन या डैंड्रफ को, डिफरेंट तरह की इन्फेक्शन या पर्टिकुलरली डैंड्रफ को ट्रीट करता है, दैट इज निम्ब, एरेंड, श्वेत कुटजा, थिस्टल एंड बेल. एंड इसका पर्टिकुलरली जो कैप्सूल है उसको भी आप अलॉन्ग विद जिसको जिनको भी हेयरफॉल का प्रॉब्लम है दोनों को कंटिन्यूस यूज करिए.